नमस्कार। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के हर साल हम महिला दिवस मनाते हैं, मनाना कई बार आवश्यक भी है। सालों साल से हम कहते हैं स्त्री कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ गई, ऐसा कुछ सालों से, पहले तो ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानती, मगर वो क्या है ऐसा, कहीं ना कहीं शिक्षा में, बाहर आके काम करने में। लेकिन अब मैं ये कहूँगी धीरे धीरे चित्र बदल रहा है, और धीरे धीरे चित्र बदल रहा है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में स्त्री सामने आ रही है, काम कर रही है, शिक्षा पा रही है, ये सब कुछ करते समय। और इसलिए आज जब हम स्त्री के बारे में विचार करना तो अत्यंत आवश्यक, तो महिला वर्ष या महिला दिवस नहीं मनाना ये तो नहीं हम कह सकते, मगर महिला दिवस मनाने के कुछ मायने बदलना भी जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे, हमेशा परसेंटेज वाइज देखने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई ऐसा तो होता नहीं कि 100% महिला कामकाजी है या 100% महिलाएं शिक्षित हो गई, ऐसा तो प्रतिशत से बात नहीं बनती। मेरी ये मान्यता है कहीं ना कहीं स्त्री अपने आप में आत्मविश्वास लाए, स्त्री में आत्मविश्वास भरना या आत्मविश्वास आना, या दूसरा कोई उसे कहे कि हाँ तुम ये कर सकते हो के बजाय वो स्त्री अपने आप में कहे यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मुझ में है कुछ, और अपने गुणों को पहचानना सीखे। ये बात मुझे लगता है महिला दिवस जब हम मनाते हैं इस बात को ध्यान में रख करके अब हमें उस दिशा में आगे जाना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो आती है वो स्त्री यानी कोई एक शरीर, ये देखने का दृष्टिकोण है, मैं थोड़ा ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन ये दृष्टिकोण भी बदलना आवश्यक है। स्त्री एक मनुष्य है, और ये कोई पुरुष ने महिला को सशक्त बनाना वाली बात नहीं है, समाज का, संपूर्ण समाज का, उसमें स्त्री समाज भी उसमें विलीन है, तो मिल करके ये सोचने की बात है कि हम मिलकर के एक समाज है, और इसलिए दृष्टिकोण एक मनुष्य के रूप में देखने का जो दृष्टिकोण है ये लाना बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं महिलाएं, मैं तो कहूँ बहुत आगे जा रही है सब इस काम करने में, और सक्षम भी है। सक्षमता में स्त्री बुद्धि से ना कम है, ना वो आत्मविश्वास की कमी लगता ऐसा है, हमने भाव निर्माण किया, मगर उसमें अगर वो काम करने के लिए निकलती है तो उसकी भी कमी नहीं है, मगर उसे एक बात ऐसी है, मौका मिलना जिसको हम कहते हैं आगे आने की बात है, वो मौका मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करो, ऐसा भी अब मैंने कहूंगी। अब एक बात ये भी सोचने की है कि सब स्त्रियों ने, जिन स्त्रियों को मौका मिला है, जिन स्त्रियों ने जीवन में कुछ किया है, अब उन्होंने भी ये सोचना है कि एक बार मैं अभी एक ऐसा कार्यक्रम में कहा था, हो भी रहा है कि एम्पावर्ड वुमन एम्पावरिंग द नेशन और एम्पावरिंग द सोसाइटी, इस प्रकार से कि जिसको कुछ मिला, जिसने कुछ किया, वो अब समाज की दृष्टि से सोचे कि मैं समाज को क्या दे सकती हूँ, मैं राष्ट्र को क्या दे सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं यह भूमिका बने, ऐसा एक मेरा अपना ऐसा एक मान्य है। तो अब जब हम ये महिला दिवस मनाते हैं तो इसमें केवल उस दिन महिला को बहुत बड़ा कहा, उस दिन महिला को सम्मान दिया, ये वाली बात नहीं है। महिलाओं ने भी एक दूसरे का सम्मान, महिलाओं ने अपने आप को सोचना, समझना, अपनी शक्ति को पहचानना, इस प्रकार से ये बात, ये एक मौका है। कई बार मैं देखती हूँ, ये भी बात एक ध्यान में रखने लायक है कि आज के दिन जो भी कोई वक्ता बोलता है, माफ करना, मैंने कई बार देखा कि बोलते समय एक बहुत अच्छी बात, एक ही वाक्य उनके मुंह से आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बात बिल्कुल सही है, और एक प्रकार से उसी के लिए नारी की पूजा, मगर कई लगता है कि हम ये आधा भाग बोलते हैं, आगे का आधा अगर हम बोले तो उसका भी परिणाम सबसे ज्यादा होगा। उसमें ये कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बराबर है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी वहाँ आनंद होता है, यहाँ समृद्धि रहती है, देवताओं का निवास यानी
समृद्धि की बात है, देवताओं का निवास यानी स्वास्थ्य की बात है, मन का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, तो ये बात ठीक है। मगर आगे की पंक्ति जो है, यत्र तत् न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया, सब वो वहां जो भी, अगर जहां कहीं ऐसा होता है कि स्त्री के पूजन या स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहां कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है या कोई किए हुए काम का फल तुम्हें अच्छा नहीं मिल सकता। तो ये भी एक बात ध्यान में रखना है, केवल यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते नहीं, जहां नहीं पूजा करोगे, अगर नारी का सम्मान समाज में नहीं होता, और ये भी केवल इसीलिए है कि समाज का एक हिस्सा अगर अपमानित रहेगा तो समाज आगे नहीं जाएगा। जैसा हम कहते हैं, हमारा एक पैर तो अच्छा हम चलते, मगर दूसरा पैर अगर हमारा दुख रहा है या काम नहीं कर रहा है तो हम खींचते हुए चलेंगे, हम अच्छे तरीके से चल नहीं पाएंगे। बात केवल ये है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसलिए मेरा ये कहना है, आज के दिन एक दूसरे को सशक्त केवल स्त्री को नहीं बना है, एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जागरूक कैसे करना, किए हुए काम को अच्छा कैसे लेना, समाजोपयोगी कैसे बनाना, ऐसे करके सबने मिल के विकास कैसे करना, साथ साथ चलना। हम कहते हैं गृहिणी सचिवा सखी ही, ये स्त्री के भी जो रूप है, ये कहीं ना कहीं साथ साथ चलने की बात लेकर कहते हैं। और इस दृष्टि से हम देखेंगे कि संपूर्ण समाज का विचार जब हम कहते हैं तो संपूर्ण समाज के ये दो रूप है, दो हिस्से है, स्त्री और पुरुष। ये कोई एक दूसरे के ना विरोधी है, ये ना कोई एक दूसरे के स्पर्धा करने वाले जीव है, ये दो ऐसा है कि ये दोनों मिल करके इस समाज को आगे ले। तो आज हम 8 मार्च को विशेष रूप से महिला दिवस मनाते हैं, तो मैं सबको यही कहूंगी, स्त्री वर्ग को ये कहूंगी, अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त हो जाए इस संदर्भ में हम सोचो, और मैं अगर कुछ कर पाई हूँ, मुझमें अगर कुछ ताकत है आई है, वो ताकत बांटते हुए मैं समाज का भला कैसे कर सकती हूँ, ये स्त्री सोचे। और बाकी जो पुरुष वर्ग है वो भी सोचे कि स्त्री का सम्मान, स्त्री की तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण मैं कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ, मेरा अपना दृष्टिकोण कैसे साफ सुथरा हो सकता है, और हम दोनों मिल करके संपूर्ण समाज को आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये बात सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।